इस सेशन में इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड मैंने मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इफ एग्जांपल्स प्रोवाइड किए हैं। चेक करें वन बाय वन सभी प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में, कोड और ब्लॉक्स के रिस्पेक्ट में सिंपली फ्लोचार्ट डायग्राम्स क्रिएट करना और एग्जीक्यूशन डायग्राम इस डिफरेंट डिफरेंट इफ के केसेस में एग्जीक्यूशन फ्लो किस टाइप से इंटरप्रेट होगा। टोटल इसमें 5 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 1, 2, 3, 4 एंड 5 ओनली रिलेटेड टू इफ स्टेटमेंट। सभी एग्जांपल्स में ओनली इफ का इफ के डिफरेंट फ्रेम फ्लेवर्स टेस्ट किए गए हैं। फर्स्ट वन, सबसे पहले मैं फ्लोचार्ट डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू इफ स्टेटमेंट। एग्जांपल वन, एग्जांपल वन के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं, इस केस में टोटल मीन्स सबसे पहले प्रोवाइड किया गया स्टेटमेंट जीरो। स्टेटमेंट जीरो मीन्स मे बी एनी टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट। इस केस में डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट किया बाय यूजिंग एस जीरो, एस वन, एस टू एंड सी का मीनिंग क्या है इस केस में, सम कंडीशंस। सी स्टैंड्स फॉर सम कंडीशंस, एस वन एस टू और एस जीरो स्टैंड्स फॉर सम स्टेटमेंट्स, मे बी प्रिंट एफ, मे बी प्रिंट एफ और मे बी स्कैन एफ, मे बी सम अर्थमेटिक और लॉजिकल एक्सप्रेशंस लाइक दैट। फर्स्ट वन, फर्स्ट एग्जांपल के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, सबसे पहले जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले चांस किसको प्रोवाइड हुआ, स्टेटमेंट एस जीरो। स्टेटमेंट एस जीरो विल बी एग्जीक्यूटेड अनकंडीशनली। स्टेटमेंट एस जीरो की बात करें, इसे एस जीरो स्टेटमेंट कैसा है, आउट ऑफ बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। मीन्स एस जीरो स्टेटमेंट सभी सिचुएशन में एग्जीक्यूट, मीन्स इट डजेंट अफेक्टेड बाई इफ कंडीशंस। कंडीशंस के केसेस में टू पॉसिबल केस होंगे, आइदर ट्रू और फॉल्स। मीन्स कंडीशन ट्रू है फॉल्स वो डजेंट मैटर। सबसे पहले एग्जीक्यूशन किसको प्रोवाइड हुआ, एस जीरो के लिए। एस जीरो के जस्ट बाद नेक्स्ट केस क्या, कंडीशन टेस्टिंग। सेकेंड केस में जैसे इस केस में कंडीशन टेस्ट हुआ तो कंडीशंस के केसेस में पॉसिबल केस क्या होंगे, या तो एक कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन फॉल्स होगा। अगर कंडीशन ट्रू है देन इसके कंडीशन ट्रू होने के केसेस में चांस किसको प्रोवाइड हुआ, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था इफ के केसेस में अगर आपने कर्ली ब्रेसेस प्रोवाइड नहीं की देन बाय डिफॉल्ट इफ का बॉडी टर्मिनेट हुआ बाय यूजिंग फर्स्ट सेमी कॉलन। इस केस में इंडेंटेशन की बात करें तो इंडेंटेशन से कभी भी कोड या लॉजिक्स अफेक्ट नहीं होते। मीन्स मल्टीपल स्टेटमेंट सी लैंग्वेज के अंदर विद इन अ सिंगल लाइन भी राइट करना पॉसिबल लाइक दैट, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री सेपरेटेड बाई सेमी कॉलन्स, डजेंट मैटर। मीन्स लेकिन स्टेटमेंट सेपरेट किससे होंगे, लाइन से या सेमी कॉलन से, सेमी कॉलन से। अगर आपने पर्टिकुलर कोड स्टाइप से इफ के बॉडी के अंदर प्रोवाइड किया लाइक दैट सम इफ कंडीशंस, अगर इसके इसमें कर्ली ब्रेसेस प्रोवाइड नहीं किए देन बाय डिफॉल्ट इफ का बॉडी किससे टर्मिनेट होगा, फर्स्ट सेमी कॉलन। मीन्स स्टेटमेंट एस वन कंसिडर होगा एज अ पार्ट ऑफ इफ बॉडी, रिमेनिंग स्टेटमेंट्स अपीयर हुए एज अ इंडिपेंडेंट ऑफ इफ। मीन्स कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो डजेंट मैटर। एस टू और एस थ्री सभी सिचुएशन में एग्जीक्यूट होंगे लेकिन एस वन का एग्जीक्यूशन कंडीशंस के बेसिस पर हुआ, इंडेंटेशन डजेंट मैटर इन दैट केस। कंडीशन अगर ट्रू है देन उस केस में चांस केस को प्रोवाइड होगा। मीन्स टोटल इफ के केसेस में टू पॉसिबल केस होंगे, या तो एक कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन फॉल्स होगा, आइदर कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स। This one is true session, this one is false session. First one, सबसे पहले मैं valid case के लिए diagram provide करूँ। Valid means if condition is true, और condition true है then control कहाँ send हो रहा है, S1 के पास। इस केस में execution किसको provide हुआ, to the statement S1. नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट एस वन मीन्स बॉडी एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ। आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ के अकॉर्डिंग चांस किसको प्रोवाइड होगा, टू द स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट टू अनकंडीशनली एग्जीक्यूट हो रहा बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ इफ। इफ के बॉडी की बात करें तो बॉडी पार्ट में क्या ओनली एस वन, इसलिए एस वन का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है इसके इसमें एज अ कंडीशनली। मीन सबसे पहले कंडीशन टू होने के इसमें चांस किसको मिलेगा, एस वन को, देन एस वन के जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड होगा, एस टू लाइक दैट। दूसरा पॉसिबल केस क्या, इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है देन इस केस में कंट्रोल डायरेक्टली सेंड होगा आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ। इफ का बॉडी ऑलरेडी फर्स्ट सेमी कॉलन से टर्मिनेट हो चुका है, एस टू कैसा आउटसाइड बॉडी, अगर कंट्रोल बॉडी के बाहर सेंड होगा, बॉडी के जस्ट बाहर डायरेक्टली क्या मिलेगा इसको, स्टेटमेंट एस टू। दिस इज द फ्लोचार्ट डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल वन। नेक्स्ट वन, फ्लोचार्ट डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल टू।
एग्जाम्पल टू के रिस्पेक्ट में अगेन चेक करते हैं, इस केस में प्रीवियस केस में इफ के अंदर ओनली सिंगल स्टेटमेंट प्रोवाइड किया था, लेकिन इस केस में इफ के इफ बॉडी के अंदर टू स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए सेपरेटेड बाई कर्ली ब्रेसिस। अगेन इस केस में सबसे पहले इफ के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई करोगे नंबर ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, नंबर ऑफ अनकंडीशनल। तो इस केस में कंडीशंस के बेसिस पर चांस किसको प्रोवाइड होगा, ओनली बॉडी ऑफ इफ। रिमेनिंग सारे स्टेटमेंट्स कैसे होंगे अनकंडीशनल, अनकंडीशनल स्टेटमेंट सभी सिचुएशन में एग्जीक्यूट होंगे। सबसे पहले इस केस में चांस किसको प्रोवाइड हो रहा है, अगेन स्टेटमेंट एस जीरो। देन स्टेटमेंट एस जीरो के जस्ट बाद देन सेकेंड केस में टेस्ट क्या हो रहा है, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन टेस्ट करेंगे, कंडीशंस के केसेस में अगेन पॉसिबल केस क्या होंगे, आइदर कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के लिए अगेन टू डायरेक्शंस क्रिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रू। तो सबसे पहले ट्रू के रिस्पेक्ट में इस डायग्राम को कंप्लीट कर दें। अगर कंडीशन ट्रू है देन कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, इन साइड बॉडी ऑफ इफ। अगर इफ बॉडी के अंदर कंट्रोल सेंड हो रहा देन चांस प्रोवाइड हुआ टू द स्टेटमेंट एस वन एंड एस टू, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। बिकॉज बॉडी पार्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने, टू स्टेटमेंट एस वन और एस टू। प्लस बॉडी कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने जस्ट बार लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, आउटसाइड बॉडी। बॉडी के बाद जस्ट प्रोवाइड क्या किया, स्टेटमेंट एस थ्री। देन फाइनली एस टू के जस्ट बाद चांस किसको प्रोवाइड होगा, टू द स्टेटमेंट थ्री। इस अगर कंडीशन ट्रू है देन इस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में एग्जीक्यूशन किसका हुआ, एस जीरो एस वन एस टू एस थ्री। दूसरा पॉसिबल केस क्या है, इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है देन फॉल्स के केसेस में अगर बात करें, फॉल्स होने के इसमें कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ सेंड करेंगे, आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ, आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ। और इफ के बॉडी के बाहर क्या प्रोवाइड किया, डायरेक्टली एस थ्री स्टेटमेंट। इसलिए फॉल्स होने के इसमें डायरेक्टली चांस किसको प्रोवाइड हुआ, एस थ्री। चेक करते हैं अगेन इस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में पॉसिबल एग्जीक्यूशन किसके लिए प्रोवाइड हुआ। अगर कंडीशन ट्रू है देन एस जीरो एस वन एस टू एस थ्री, अगर कंडीशन फॉल्स है देन एस जीरो और डायरेक्टली एस थ्री इन केस ऑफ फॉल्स। इज द फ्लोचार्ट डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल टू, नेक्स्ट वन विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल थ्री। एग्जाम्पल थ्री के रिस्पेक्ट में फ्लोचार्ट डायग्राम क्या होगा इसका, विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल थ्री। इस केस में अगेन चेक किया जाए, प्रीवियस केसेस में कर्ली ब्रैकेट के थ्रू टू स्टेटमेंट सेपरेट हुए थे इनसाइड बॉडी ऑफ इफ, लेकिन इस करेंट केस में कोई भी कर्ली ब्रेसिस प्रोवाइड नहीं किया है। आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, अगर कर्ली ब्रेसिस अवेलेबल नहीं थे इफ का बॉडी टर्मिनेट होगा बाय यूजिंग फर्स्ट सेमी कॉलम। मीन्स इस केस में बॉडी पार्ट क्या है, ओनली एस वन। लॉजिकली इसको इंटरप्रेट करेंगे लाइक दैट, रिमेनिंग स्टेटमेंट्स कंसिडर होंगे आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ, इंडेंटेशन डजेंट मैटर। इस केस में सबसे पहले चांस किसको प्रोवाइड हो रहा है, स्टेटमेंट एस जीरो। एस जीरो के जस्ट बाद सेकेंड केस क्या है, टेस्टिंग इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के केसेस में अगेन टू पॉसिबल केस होंगे, आइदर कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन अगर ट्रू है देन ट्रू के केसेस में चांस किसको प्रोवाइड हुआ, बॉडी ऑफ इफ। और इफ के बॉडी पार्ट में ओनली एक ही स्टेटमेंट प्रोवाइड किया, कॉल्ड एज स्टेटमेंट वन। तो इस केस में सबसे पहले कंडीशन ट्रू होने के केसेस में एग्जीक्यूशन किसको प्रोवाइड हुआ, एस वन इफ कंडीशन इज ट्रू। देन एस वन के जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ। मीन्स बॉडी के जस्ट बाद कर्ली ब्रैकेट के जस्ट बाद नेक्स्ट कमिंग स्टेटमेंट कौन सा, एस टू। देन चांस किसको प्रोवाइड हो रहा है इस केस में, एस टू। चांस इज प्रोवाइडेड टू द एस टू। एस टू के जस्ट बाद नेक्स्ट कमिंग स्टेटमेंट कौन सा, एस थ्री। यानी एस टू के जस्ट बाद एग्जीक्यूशन किसका हुआ, एस थ्री, लाइक दैट। दूसरा पॉसिबल केस क्या, अगर कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने के इसमें इफ का बॉडी पार्ट कंप्लीटली इग्नोर हुआ, बॉडी पार्ट में क्या ओनली स्टेटमेंट एस वन। इस केस में कंट्रोल, कंडीशन फॉल्स होने के इसमें कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ सेंड हुआ, टू द एस टू स्टेटमेंट। और एस टू के जस्ट बाद अगेन चांस किसको मिलेगा, एस थ्री के लिए। इस केस में फॉल्स होने के केसेस में कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, टू द एस टू इफ कंडीशन इज फॉल्स। और एस टू के बाद अगेन चांस किसको मिलेगा, एस थ्री को। तो इस केस में पॉसिबल एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स कौन से होंगे, अगर कंडीशन ट्रू है देन एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होगा इसका, एस जीरो एस वन एस टू एस थ्री। इफ कंडीशन इज फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स है देन इस केस में चांस किसको प्रोवाइड हुआ, एस जीरो फॉल्स
डायरेक्टली एस जीरो के सॉरी एस जीरो के जस्ट बाद चांस किसको लेगा, एस टू देन एस थ्री। नेक्स्ट वन विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल फोर के रिस्पेक्ट में पॉसिबल रिजल्ट क्या होंगे इसके, इस केस में ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट क्या है, इस केस में इफ को टर्मिनेट किससे किया है, इस अगर कर्ली ब्रैकेट प्रोवाइड नहीं किया तो इफ का बॉडी किससे टर्मिनेट होगा, भाई यूजिंग फर्स्ट सेमी कॉलन, फर्स्ट सेमी कॉलन कॉलन ऑलरेडी हेडर पार्ट में अपीयर हो चुका दैट वन, मीन्स इस केस में बॉडी कैसा, इसका एम्प्टी बॉडी और डमी इफ स्टेटमेंट, इस केस में एस वन और एस टू दोनों स्टेटमेंट का है आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ, बिकॉज इफ का बॉडी ऑलरेडी फर्स्ट सेमी कॉलन से क्लियर हो चुका है। इस केस में एस वन एस टू अनकंडीशनली एग्जीक्यूट होना, इसलिए कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो डजंट मैटर, मीन्स कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने के केसेस में कोई स्पेशल स्टेटमेंट प्रोवाइड ही नहीं किया, इसलिए सभी केसेस में चांस किसको मिलेगा, एस जीरो कंडीशन ट्रू हो तब भी किसको चांस मिलेगा, बॉडी एम्प्टी, देन एस वन देन एस टू, कंडीशन फॉल्स है देन तभी भी इस केस में बॉडी पार्ट के जस्ट बाद चांस किसको मिलेगा, एस वन और एस टू, मीन्स इस केस में एग्जीक्यूशन फ्लो गया इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल एस जीरो देन कंडीशन टेस्टिंग, करंट केस में इफ का बॉडी कैसा है, डमी बॉडी और एम्प्टी बॉडी, कंडीशन कंडीशन केस में पॉसिबल केस क्या है, ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो डजंट मैटर, दोनों ही केसेस में कंट्रोल कहाँ आएगा, आउटसाइड बॉडी, इस सबसे पहले दोनों ही केसेस में चांस किसको मिलेगा, स्टेटमेंट एस वन देन स्टेटमेंट एस टू, लाइक दैट इज द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ करंट प्रोग्राम, मीन्स इस केस में चांस कितने स्टेटमेंट्स को प्रोवाइड हो रहा है, एस जीरो एस वन एस टू इन ऑल केसेस, कंडीशन डजंट मैटर इन दैट केस। नेक्स्ट वन लास्ट एग्जाम्पल फाइव, एग्जाम्पल फाइव के केस में बात करें, अगेन इफ का बॉडी टर्मिनेट किया बाई यूजिंग सेमी कॉलन, मीन्स इस केस में इस ब्लॉक को कंसिडर किया जाएगा एज अ सिंपली लोकल ब्लॉक, ऑलरेडी डिस्कस किया था सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस के अंदर लोकल ब्लॉक्स क्रिएट करना पॉसिबल है एज अ ऑर्डिनरी ब्लॉक्स, लोकल ब्लॉक का एग्जीक्यूशन अनकंडीशनली नॉर्मल मैनर्स में परफॉर्म हुआ एज अ सिक्वेंशियल फैशन, बिकॉज इफ का बॉडी ऑलरेडी फर्स्ट सेमी कॉलन से टर्न हो चुका है लाइक दैट, दिस वन इज ऑलरेडी क्लोज, तो इस केस में एग्जीक्यूशन फ्लो क्या हुआ, सबसे पहले एस जीरो, एस जीरो के जस्ट बाद चेक क्या हुआ कंडीशन, अगेन कंडीशन पार्ट कैसा इसका डमी कंडीशन, मीन्स देयर इज नो स्टेटमेंट, कंडीशन के जस्ट बाद कंट्रोल का आउट इन साइड लोकल ब्लॉक, लोकल ब्लॉक के रिस्पेक्ट में चांस किसको मिल रहा है, एस वन, एस वन के जस्ट बाद एस टू, एस टू के जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड होगा आउटसाइड लोकल ब्लॉक, जस्ट एग्जीक्यूशन किसका होगा एस थ्री, दिस द एग्जीक्यूशन फ्लो डायग्राम फॉर एग्जाम्पल फाइव।